स्वागत है मेरे चैनल पे भाइयों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही एक सीरियस टॉपिक है। बहुत ज़्यादा लड़कों के क्वेश्चन आते हैं कि भाई अगर हम बॉडी बिल्डिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हम कितना अर्न कर सकते हैं, कितनी कमाई कर सकते हैं हम। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भाइयों के होते हैं और मेनली ये भी लड़के पूछते हैं कि इसमें क्या करियर सिक्योर है, क्या बॉडी बिल्डिंग में हम मतलब कि फुल टाइम पूरी लाइफ जो है करियर बना सकते हैं कि मतलब बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मेनली जो है घर वालों का कंसर्न होता है, वो पूछते रहते हैं कि भाई बॉडी बिल्डिंग कब तक करेगा, ये कितना कमा सकता है। तो आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। देखो, अगर बॉडी बिल्डिंग में आप पैसा कमाना चाहते हो तो इनिशियली आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। आप अगर सोचो कि मैं पहला स्टेज शो खेलूं और वहीं से मुझे अर्निंग होने लग पड़े, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ें बता देता हूँ। देखो, जो ये स्टेज शो होते हैं ना, कॉम्पिटिशन होते हैं, वो अर्निंग करने के लिए नहीं बने हुए। जो ये होते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, ये अर्निंग के लिए नहीं बने हुए। ये मेनली आपको एक एक्सपोजर देते हैं कि अच्छा, इस नाम का लड़का अच्छी फिजिक के साथ है, इस जगह से आता है या इस गांव से आता है, ऐसी चीजें। मतलब कि आप फेम कमा सकते हो अगर आप इसके बॉडी बिल्डिंग लाइन में कोई कंपटीशन वगैरह खेलने शुरू कर देते हो, तो आप फेम कमाना शुरू कर देते हो, मतलब कि आपका नाम बनना शुरू हो जाएगा। पर अगर आप सोचो कि शुरुआत में ही आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएं, तो वो बात नहीं है भाई। आप अपना मतलब कि गलत ट्रैक पे हो, गलत डायरेक्शन पे हो और गलत चीज़ें अपने दिमाग में डाल रहे हो। क्योंकि शुरुआत में मैं आपको बता दूँ, अगर आप स्टेज पर चढ़ते हो, अपनी वेट कैटेगरी में अगर आप टॉप 5 में आते हो, तो मैं आपको एक नॉर्मल बता देता हूँ। अगर आप नॉर्मल कंपटीशन है, हाई लेवल की बात नहीं कर रहा, तो लास्ट प्राइज जो होता है, 5 टॉप 5 को प्राइज मिलता है। टॉप 5 को मनी जिसको बोलते हैं, रिवॉर्ड मिलता है, प्राइज मिलता है और साथ में ट्रॉफी वगैरह, वो तो मेडल वगैरह तो मिलते हैं, पर जो टॉप 5 है उनको ही प्राइज मिलता है, प्राइज मनी। बाकियों को भाई अब क्या कहें कि थोड़ा वो है कि नहीं मिलता कुछ भी, उनको बस स्टेज पे चढ़ने का मौका मिलता है। पर वो ये लोग नहीं देखते, ये जज या ये जो पूरा ये शो करवाते हैं, ये नहीं देखते कि उस बंदे ने कितने पैसे लगाए हैं। क्योंकि अगर फर्स्ट आने वाले ने अगर बॉडी पे 1 मंथ का 1,00,000 रुपया लगाया और हार्डवर्क किया उसने, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क अगर सबका कॉन्स्टेंट रखा जाए, तो अगर उसने 1,00,000 रुपया अपनी बॉडी पे लगवाया है, तो इवन जो 10th place पे भी है ना भाई, उसने भी 60-70,000 तो लगाया होगा। पर ये चीज़ें जो हमारे कंटेस्ट अरेंज करवाते हैं, वो मैनेजमेंट नहीं सोचती ये चीज़, तो आपको पैसे वहाँ पे नुकसान ज़रूर होगा। पर अगर आप ये चीज़ देखें दिमाग में, ये वाली चीज़ डालने कि मुझे यहाँ से नाम कमाना है, ठीक है, मुझे फेम कमानी है, मुझे अपना स्टैंडर्ड धीरे धीरे हाई करना है, लोग मुझे जानना शुरू कर दें, फिर आप एक अच्छा बॉडी बिल्डिंग करियर बना सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। पर शुरुआत में मनी प्राइस जो मैं आपको बता दूँ, टॉप 5 जो नॉर्मल किसी स्टेट का जो होता है कॉम्पिटिशन, उसके टॉप 5 जो है, फिफ्थ जो आता है उसका 1,100 रुपया तक मिलता है उसको। 1,100 रुपया बहुत कम होता है भाइयों, बहुत कम होता है। जो फर्स्ट आता है अपनी वेट कैटेगरी में, उसको 5,100, ठीक है। अब ये थोड़ा वेरी कर सकता है, मतलब डिफरेंट हो सकता है आपके एरिए में, आपकी स्टेट में जो है थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। हाँ, और बॉडी बिल्डिंग अगर आप मतलब कि रिप्रेजेंट करें इंडिया लेवल पे हो, अगर नेशनल लेवल पे हो, फिर वहाँ पे प्राइज मनी ज़्यादा होती है। पर वहाँ पे भी एक बहुत कह सकते हैं घपला सा होता है कि वहाँ पे लिख देंगे, उस जो होर्डिंग सी होती है वहाँ पे लिख देंगे जी 2 करोड़ का प्राइज है। पर भाई वो 2 करोड़ के प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सभी एथलीट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अगर आप कहो कि अगर आप मिस्टर इंडिया जीत रहे हो तो 2 करोड़ मिलेगा, तो वो नहीं है, वहाँ पे फिर से आप गलत हो। वो प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट होती है हर वेट कैटेगरी में और हर उसमें, मतलब ये टोटल उनका बजट होता है, एक तरह से ये समझ सकते हैं कि कितना प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो ना भाई, तो पहले नाम बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं जैसे कि मैं अपना बताता हूँ कि आपको शुरुआत करनी चाहिए ट्रेनर की जॉब से, आपको शुरुआत करनी चाहिए। अगर ट्रेनर सर्टिफाइड नहीं हो आप, तो हेल्पर स्पोर्टर जो होते हैं, स्पोर्ट करते हैं जो मतलब कि हेल्प कर देंगे वेट उठाने में, ऐसी ऐसी चीज़ें जो करते हैं स्पॉटर जो होते हैं, वो आप जिम में बन जाइए, वहाँ पे जॉब लीजिए, धीरे धीरे अपनी सर्टिफिकेशंस कीजिए, धीरे धीरे अपनी बॉडी बिल्डिंग का करियर बनाइए। वहाँ पे कैसे बनाएंगे, साथ में जिम तो आपको फ्री में मिलता ही है करने को, ठीक है, वहाँ पे आपके पैसे बच जाएंगे। और डाइट वगैरह आप ट्रेनरों से पूछ सकते हो, ट्रेनरों से नॉलेज ले सकते हो, ट्रेनरों से ये पूछ सकते हो कि कौन सा बढ़िया कोर्स है, आपको सर्टिफिकेशन कहाँ से करनी चाहिए। ये चीज़ें जब आप सारी कर लोगे, अपना एक स्टैंडर्ड बना लोगे, एक सर्टिफिकेशन आपके पास हो जाएगी अच्छे लेवल की, मैं तो कहूँगा इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन करो, ताकि
कहीं पे धक्के खाने की जरूरत ही ना पड़े। लोग जो है जिम जो है हंस के आपको अपनी तरफ ले कि भाई ये बंदा हमें चाहिए जिम में, ठीक है। तो आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा अगर सर्टिफिकेशन आपकी बढ़िया लेवल की होती है, एडवांस लेवल की होती है, इंटरनेशनल लेवल की होती है। इवन आप ओवरसीज कैनेडा यूएसए इंग्लैंड वगैरह में भी जॉब ले सकते हैं एज अ ट्रेनर, एज एडवांस लेवल एडवांस सर्टिफाइड ट्रेनर, ठीक है। तो ये ऐसे ये तरीका आपका करियर बनाने का। फिर आप बॉडी बिल्डिंग स्टेज शोज खेलिए, ठीक है, धीरे धीरे आपका नाम बनना शुरू होगा, आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी, हो सकता है आप टाइटल जीत लें, टाइटल जीतेंगे तो नाम बनना शुरू होगा। पर अगर आप ये चीज़ दिमाग में ले रहे हैं कि मैं टाइटल जीतूंगा और उससे पैसा आएगा और उससे मैं मतलब कि अपना स्पेंडिंग अपना एक्सपेंडिचर्स जो है वो अपना लाइफस्टाइल सुधारूंगा, तो वो एक बहुत गलत फहमी है भाई साहब। वहाँ पर इतना पैसा नहीं मिलता कि आप अपना मतलब कि वहाँ से अर्निंग आपकी वो चले हमेशा के लिए, एक अर्निंग जिसको बोलते हैं ना कि परमानेंट सोर्स अर्निंग का, वो नहीं है भाई वो। हाँ ये ज़रूर है अगर आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी के साथ बढ़िया चलती रहती है, आने वाले सालों में भी आप बढ़िया परफॉर्म करते रहते हो, तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है कि आपको जो है हायर कर लेती है, स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, हायर कर लेती हैं बड़ी बड़ी, इवन जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ या जो मैं कह सकता हूँ जो गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं, रेलवेज वगैरह, आर्मी, ठीक है, पुलिस वगैरह में भी इनकी वैकेंसीज होती हैं। पर वो बनेगा करियर आपका धीरे धीरे। अगर आप स्टेज शो से बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन शो जीत के पैसे कमा कमा के सोच रहे हो कि मैं उससे अपना एक्सपेंडिचर चलाऊंगा, वो मेरी एज अ सैलरी होगी और परमानेंट जॉब होगी, तो आप कहीं गलत फहमी में रह रहे हो और आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज से ही अपने दिमाग में डाल लें भाई, अगर आपने बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाना है तो पहले अपना सर्टिफिकेशन और दूसरी चीज अपना नाम बनाना शुरू कीजिए इस फील्ड में, और पैसे के बारे में अभी मत सोचिए। अभी छोटी मोटी जॉब कर लीजिए, चाहे वो स्पॉटर, हेल्पर, जिम में जो भी हो आपको जॉब मिले, ठीक है, उसके बाद ट्रेनर की जॉब, उसके बाद धीरे धीरे अपना करियर जो है आगे बढ़ाएं। पर शुरुआत में थोड़ी पैसे की तंगी होगी क्योंकि सबको होती है, आपको भी होगी, और फैमिली ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करती, फैमिली ज़्यादातर सपोर्ट इस फील्ड में नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कितना ज़्यादा नाम बदनाम हो चुका है बॉडी बिल्डिंग लाइन का और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं, ठीक है। तो तब भी मैं यही बताऊँगा कि करियर बनाया जा सकता है, पर आपको पहले सर्टिफिकेशन और फिर उसके बाद अपना बढ़िया नाम बनाना पड़ेगा इस फील्ड में, तो बढ़िया करियर ज़रूर आपका बनेगा, ठीक है। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है और फुल मोटिवेशन के साथ लगे रहो भाई, पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, लोग जो मर्जी बोलें, ठीक है, आपका भाई आपके साथ है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ठीक है। 110 kg का हूँ इस टाइम मैं, कई लड़के मुझे कमेंट में पूछते रहते हैं, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डाइट भी बताऊंगा कि मैंने जो बताया था कि मैंने शुरुआत में बिल्कुल नेचुरल रह के कैसे 100 kg तक मसल गेन किया था, 100 kg बॉडी वेट किया था, और वो मैं ज़रूर अपनी डाइट शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें, और जो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो मुझे कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज, इंस्टाग्राम आईडी है जॉनी किंग अल्फा, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू, बाय।